पहला ट्राइडेंट गाइस, देखो ट्राइडेंट, ओ माय गॉड, मतलब ट्राइडेंट भाई, ट्राइडेंट मिल गया हमें यार, गजब भाई गजब। यो बॉयज, तो कैसे यार आप सभी लोग, स्वागत है आप लोगों का फिर से स्काई ब्लॉक की सीरीज में, तो जिसमें हम बहुत सारे आइलैंड को जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हमने सभी आइलैंड एक्सप्लोर कर लिए हैं, हमारे बस रहते हैं एक दो तीन, आई थिंक तीन आइलैंड हमारे रहते हैं, जिसमें हमारा एक वाटर वाला रहता है और एक जहाँ पर अजीब सा बायोम, उसको बैड लैंड बोल सकते हैं। और उसके अलावा हमारा लास्ट वाला जहाँ पर एंड पोर्टल होता है वो वाला रहता है। तो आज हम बहुत सारे आइलैंड एक्सप्लोर करेंगे जितने हमारे रहते हैं, और उसके अलावा हम कुछ टूल्स वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे अपने, कि आज हमारे थोड़ा सा मतलब आयरन के टूल बन जाए, क्योंकि मैंने सुना है कि आयरन के टूल से जो है बहुत जल्दी जो है जॉम्बीज लूट गिराते हैं। मतलब जैसे कि हमें जॉम्बी से कुछ लूट चाहिए तो वो स्टोन की स्वॉर्ड से कम गिराते हैं और आयरन की स्वॉर्ड से ज़्यादा जल्दी गिराते हैं। तो ये ऐसा फैक्ट है कि पता नहीं क्या है। तो चलो गाइस, मैं यहाँ पे थोड़ा खेती वेती कर लेता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमने लास्ट वाले में यहाँ पर अपना ये खेत बना लिया था, एक छोटा सा फार्म जहाँ पर हमने बेरीज, पोटैटो और बीटरूट, और उसके अलावा हमारे पास कैरेट भी है। तो गाइस, खाने वाने का तो जुगाड़ अपने पास हो गया, और यार ये पम्पकिन और वाटरमेलन अभी तक नहीं उगे, पता नहीं कितने टाइम बाद उगेंगे। चलो कोई ना, वो जब उगेंगे उनकी दिक्कत है यार, अपने को खाने को मिल रहा है ना, बस खत्म बात। तो गाइस देखेंगे आज हम क्या क्या करते हैं इसमें, बट यार अभी चलते हैं हम नीचे की तरफ। और मैंने थोड़ा सा सीड्स ले लिया है, और थोड़ा सा एक मेरे पास बीटरूट है, सलगम जिसे बोलते हैं हम लोग। तो गाइज़ यहाँ पर हमारे पास कुछ मेहमान आए हैं, तो इनकी मेहमान नवाजी हमें करनी पड़ेगी। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे चिकन्स हैं, तो चिकन्स को चलो फीडिंग कराते हैं। अब ये बच्चे देंगे, ये छुटकू छुटकू कहाँ हैं, ये छुटकू आ गया पीछे, एक और देखे हमारे पीछे लग रहा है। यार ये कितने क्यूट होते हैं, मगर बाद में हमें इनको मारना पड़ेगा यार, खाने के लिए करना पड़ेगा ना कुछ। और यहाँ पर दो हमारे पास पीगू हैं, तो ये दो पीगू, बट इनके लिए मेरे पास एक ही बीटरूट था, तो शायद ये चेरी तो नहीं खाते यार, खानी चाहिए थी ना इनको यार। चलो कोई ना यार, अब ये तो ब्रीड अभी नहीं हो पाएंगे, बट अभी मैं आप लोगों को अपना फार्म दिखाता हूँ कि ये किस तरह का काम कर रहा है। तो देखो भाई साहब, बहुत तरीका भसूड़ी मची हुई है भाई यहाँ पर। अरे भाई 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 भाई, भाई। तो भाई इनको मारते मारते तो मेरी एक स्वॉर्ड पूरी टूट गई है, और मुझे तीन तरह की डिस्क मिली है इनसे, और एक पोटैटो मिला है वापस से, और थोड़ा गन पाउडर बोन्स वगैरह, और ये रोटन फ्लैश वगैरह मिला है जो कि अभी किसी काम का नहीं है। वैसे हम रोटन फ्लैश खा सकते हैं, बट यार वो हमें हंगर बढ़ा देता है हमारा, और मतलब हंगर मिटाता भी और हंगर और ज़्यादा बढ़ा देता है यार, ये कौन सा फैक्ट हुआ। तो चलो यार, ये पोटैटो इसने पीगी ने खा लिया है, लास्ट पोटैटो। वैसे हमारे पास पोटैटोज की कमी नहीं है, ऊपर हमारे पास बहुत सारे पोटैटो जिनको हम बेक करके खा सकते हैं। तो हमारे पास दो एग आ गए, तो हम केक बनाने के लिए एग को संभाल के रखेंगे अभी तो फिलहाल के लिए। यार ये स्टेयर्स देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, क्या मस्त फटाफट चढ़ जाता है यार इससे। तो चलो यार, अभी हम चलते हैं आइलैंड पे, थोड़ा सामान वामान इकट्ठा करते हैं और देखते हैं हम अपने साथ क्या लेके जा सकते हैं। और गाइस, मैंने जो सामान है वो बहुत सॉल्टी करके रखा हुआ है, मतलब एकदम सजा के रखा हुआ है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा खाने के लिए ले लेते हैं, और यहाँ पर मैं आलतू फालतू सामान रखता हूँ, और ये खाने का उठा लेता हूँ मैं, ये खाने का सामान तो इधर आएगा, और ये जो डिस्क है ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो हम इसको इम्पोर्टेंट वाले इस खांचे में रखेंगे। जैसे कि हम इसको इसमें रख सकते हैं, बट अभी के लिए हम इसको वहीं पड़े रहते हैं। यार ये वाला चेस्ट क्यों नहीं खुल रहा, ये वाला तो खुल जा रहा है ऊपर वाला, तो वो नहीं खुला। तो गाइज आपको पता हो तो लास्ट टाइम हमारे पास दो आयरन इनगट आ गए थे, तो इसका हम कुछ बनाएंगे अभी थोड़ी देर में, बट अभी के लिए इसको अभी हम रख देते हैं। तो चलिए पहले हम आइलैंड पर जाने की तैयारी करते हैं। सो गाइज अभी मैं जा रहा हूँ इस सामने वाले आइलैंड पर। तो इस आइलैंड की एक खासियत है, जो यहाँ पर ये चचा जी बैठे हुए हैं ना, ये दुकानदार वाले चचा जी,
तो इनके पास बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़ है। तो आप देख सकते हैं ये हमें कोल दे रहे हैं, गोल्ड दे रहे हैं, लैपिस दे रहे हैं, आयरन दे रहे हैं, रेड स्टोन दे रहे हैं। तो इनके पास बहुत सारी हमारे काम की चीज़ है, तो इनको हम खरीद सकते हैं। और इवन ग्रेवल भी है इनके पास, तो हम ग्रेवल भी यहाँ से ले सकते हैं, जैसे हमें पोशन वगैरह बनाना हो। और उसके अलावा हम इसमें कुछ उगा सकते हैं, जैसे कि वो नेदर में एक क्वार्ट्ज मिलता है, उसको उगा सकते हैं। तो उस वाले आइलैंड पे आज हमें जाना है जो वो वुड का बना हुआ है, आई थिंक वो वुड लैंड मैंशन जैसा दिखता है। तो हम चलते हैं उस पर और वहाँ देखेंगे कि हमें क्या मिलता है। बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट करके किया कि भाई घर मत बना, घर मत बना, तुझे बना बनाया घर मिल जाएगा। तो देखते हैं भाई कैसा घर मिलता है हमें वहाँ पर। बट यार हमने अपना घर बना दिया और वो हमें बहुत प्यारा लगता है, बहुत मेहनत लगी उस घर को बनाने में, बहुत टाइम गया हमारा। तो मेन घर हमारा वही रहेगा, ये हमारा ऑल्टरनेटिव घर हो जाएगा अगर सब लोगों की बात सच निकली तो। तो चलिए थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो मेरे पास स्लैब्स कम रह गया था, तो मैं स्लैब्स लेने गया था वापस से, क्योंकि यार जब मैं इसको, मैं किसी भी आइलैंड पे जा रहा हूँ ना, तो मैं उसके नीचे बिल्ड कर रहा हूँ जहाँ पर मुझे ज़रूरत लगती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा वुड का है। मान लो यहाँ पर कोई क्रीपर आके फट गया, यहाँ पर आग लग गई, तो भाई इस घर में कुछ भी नहीं बचेगा। तो सेफ्टी इज़ फर्स्ट, मेरे को सारे के सारे आइलैंड बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं इनको खोना नहीं चाहता। अब मुझे बस इसका गेट ढूंढना है कहाँ पर है, और यहाँ पर भी इसका गेट नहीं है। अब भाई इसका गेट कहाँ है, मैं जाऊँगा कहाँ से इसमें, व्हाट डू हैक। थोड़ा सा और बिल्ड कर लेता हूँ, सेफ्टी इज फर्स्ट। और भाई मुझे एक भी अपना स्लैब्स बेकार नहीं करना, तो इसको निकाल लेते हैं। अरे नीचे गिर गया यार, वो क्या किस्मत है भाई। तो चलो यार अब इसका मुझे गेट देखना है यार, तीन तरफ मैं देख चुका हूँ, अब यहाँ पर जाता हूँ। यहाँ पर ये मुझे गेट जैसा कुछ दिख रहा है, बट यहाँ पे तो फैंस लगे हुए हैं। बट यहाँ से ही चलते हैं, हम यहाँ से हम जा सकते हैं। तो चलो बिल्ड करना शुरू करते हैं इधर से। ओके तो मैं ऊपर तक आ गया हूँ, और भाई ये तो अच्छा खासा घर है यार, ये क्या है। अब भाई ये रहा रास्ता अंदर आने का, वे टॉयलेट से अंदर वाड़ू है, मतलब टॉयलेट से अंदर आने का रास्ता है भाई, ये क्या है यार। और ये फर्नेस है, ये इसका मेरे को लगता है किचन है, और किचन के ऊपर आई थिंक ये इन्होंने ये सजाने के लिए बुक सेल्फ वगैरह लगाया हुआ है। ओ एनविल है यहाँ पे, नाइस यार, इंचेंट करने के लिए बहुत सही चीज़ है ये तो। और ये दे रहा है स्लिम ब्लॉक्स दे रहा है, और इंचेंटमेंट के लिए बोतल दे रहा है, गोल्डन एप्पल दे रहा है भाई, टोटम ऑफ अंडाइंग दे रहा है, अरे गजब यार। ये दो चीज़ें बहुत सही दे, तीन चीज़ें बहुत सही दे रहा है। एक तो दे रहा है ये एक्सपी की बोतल, और दूसरा ये गोल्डन एप्पल, और तीसरा ये टोटम ऑफ अंडाइंग। ओके यहाँ पे मल्टी शूट इन्फिनिटी, और यहाँ पर ये क्या मिला है, एलियन का गू। चलो एलियन का गू मिल गया, और यहाँ पे बेड भी है भाई। मतलब यार लोग सही कह रहे थे कि घर मत बनाओ, आपको बना बनाया घर मिल जाएगा, बट यार कोई ना यार, हमने अपना घर बना लिया और हमारा घर इससे ज़्यादा अच्छा है। हाँ बट वो बात अलग है, इसमें दो फ्लोर है, हमारे में एक ही फ्लोर है, कोई ना चलेगा यार, हमारा एक फ्लोर वाले बहुत बढ़िया बना देंगे हम उसको। और यार देखने में बहुत बढ़िया है ये घर, पेंटिंग वेंटिंग मतलब क्या सजावट की हुई है यार। बस एक ही चीज़ सही नहीं लग रही मुझे इसमें, कि यार ये पूरा घर वुड से बनाया हुआ है, और वुड वाले घर आपको पता है ना जल जाते हैं भाई। और यहाँ पर एक क्लॉक लगी हुई है, बहुत भाई कुल मिला के बहुत बढ़िया घर है ये। मैं मुझे यहाँ पर थोड़ा सा सेफ्टी करना पड़ेगा, ताकि मैं बार बार यहाँ पर आऊँगा तो कहीं नीचे ना गिर जाऊँ मैं बेफालतू में, क्योंकि मैं इससे मैं ट्रेडिंग करने के लिए कॉइन वगैरह लेके आऊँगा, और कॉइन वगैरह लेके मैं नीचे गिरा तो भाई बहुत गड़बड़ वाली बात हो जाएगी, क्योंकि कॉइन बहुत एक्सपेंसिव है भाई। 2 स्टैक कोबल स्टोन का एक कॉइन निकलता है, और 2 स्टैक निकालने में 5 मिनट लगते हैं, तो लगा लो अब।
तो चलो यार हम घर पे आ गए हैं और मैंने सारा सामान रख दिया है जो भी हमें वहाँ से मिला। वैसे कुछ खास नहीं मिला, ये स्क्वाट मिले, एलियन का घूम मिला और ये मल्टी शॉट इन्फिनिटी की एक बुक मिली है इंचेंट करने के लिए। और उसके अलावा गाइज यहाँ पर रात हो गई है तो सो जाते हैं। गुड नाइट बॉयज, कल मिलेंगे, मेरा मतलब कल से माइनक्राफ्ट वाला कल। तो चलो यार गाइज यहाँ पर हमारा गुड मॉर्निंग हो गया है और हम थोड़ा सा सामान ले लेते हैं क्योंकि अब हम जाने वाले हैं एक अनदर आइलैंड पे जो कि होने वाला है पूरा का पूरा पानी वाला, क्या नाम था उसका, ओशन मॉन्यूमेंट बोल सकते हो आप उसको। तो अब हम जाने वाले हैं ओशन मॉन्यूमेंट, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। और उसके अलावा गाइज मुझे यहाँ से थोड़े स्लैब्स वगैरह लेने पड़ेंगे, तो स्लैब्स तो है नहीं भाई, तो मुझे लगता है इनका बनाना पड़ेगा हमें स्लैब्स। वैसे 3 स्टैक हो गए हैं हमारे पास, अगर हम और बनाना चाहे तो बना सकते हैं। और गाइज हमें बनाना पड़ेगा एक हेलमेट, ये हमारा फर्स्ट हेलमेट, वो भी हमें पानी में सांस लेने में मदद करने वाला है भाई ये हेलमेट, बहुत मस्त चीज मिल गई हमें। तो यार गाइज मुझे लगता है कि हमें एक हेलमेट तो मिल गया है, हमें क्यों ना थोड़ा आर्मर वार्मर बनाया जाए यार, स्वॉर्ड वगैरह बनाई जाए क्योंकि हमें पता है कि हम, अरे ये तो कहीं नहीं लगेगा, लोल मैं इसको रख देता हूँ। तो गाइज हमें लगता है कि हमें जाना चाहिए दूसरे आइलैंड पे और वहाँ से लेके आना चाहिए थोड़ा सा आयरन वायरन, जिससे हम थोड़ी चीज़ें भी जो बनाते हैं और चीज़ें बना करके हम जाएंगे ओशन मॉन्यूमेंट में, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पर खतरा है, इसलिए उन्होंने ये हेलमेट बनाने के लिए दिया था हमें। तो पहले हम एक बना लेते हैं स्वॉर्ड, टाटड़ा, तो स्वॉर्ड बन जाएगी हमारी इससे। ओके ये हमारी स्वॉर्ड बन गई गाइज, तो चलो यार अभी चलते हैं हम दूसरे आइलैंड पे और वहां से थोड़ा सा लेके आते हैं आयरन। और आयरन की मुझे पता है कॉइन के बदले आयरन मिलेगा मुझे वहां से, तो कॉइन के लिए हम ये पहले तो यहां पे बहुत सारे हमें कॉइन्स खरीदने होंगे, जितने कॉइन हम खरीद पाएं इस चचा से। तो ये चचा हमें 2 स्टैक कोबल स्टोन के बदले 1 कॉइन देता है, तो देखते हैं कितने कॉइन हम इनसे खरीद पाते हैं। तो यार इतने सारे कोबल स्टोन देने पड़ रहे हैं हमें इसको थोड़े से कॉइन के लिए। ओके तो 8 कॉइन मिल गए हैं हमें, ऑलमोस्ट 8 मिल गए हैं, तो लेट्स गो यार। और 2 स्टैक हमारे पास कोबल स्टोन के बच भी गए हैं, तो चलते हैं अब हम वहाँ पर जाने के लिए। हमें थोड़ी सी कुछ नहीं लेना अब, तो हम सीधे ही जा सकते हैं। वैसे एक आयरन का ब्लॉक हमारे पास है ऑलरेडी जो हमें वहाँ से मिल गया था, और ये बेक्ड पोटैटो हमारे तैयार हो चुके हैं, तो चलते हैं यार। सो गाइज हम अपने दुकान वाले चचा के पास आ गए हैं और देखते हैं यहाँ से हमें क्या मिलता है, हमें कैसे मिलना, क्या यार हमें सीधा सीधा आयरन खरीदना है। ओ आयरन, अरे यार स्टोन चाहिए यार, हमें स्टोन भी चाहिए यार, हमें इसको कॉइन के साथ साथ स्टोन भी चाहिए होगा। और यार आयरन देख रहे हो कितना महंगा है यार, मतलब अरे मैं यहाँ से स्टोन निकाल सकता हूँ क्या, यहाँ पर भी तो स्टोन, ये रहा, चलो मैं निकाल के देखता हूँ। वैसे मुझे पता है यार स्टोन तो मिलेगा नहीं, कोबल स्टोन ही मिलेगा। हाँ यार मुझे घर ही जाना पड़ेगा, तो चलिए घर से होके आते हैं। सो गाइज मैं स्टोन भी ले आया हूँ और ये मुझे मिल जाएंगे, आई थिंक मुझे 8 ब्लॉक मिल जाएंगे, 4 और 4 8। ओके तो गाइज स्टोन बनाना बहुत ईजी होता है, आप कोबल स्टोन को फर्नेस में रखोगे तो आपको स्टोन मिल जाएगा। और क्या खरीद सकते हैं हम इससे, और कुछ नहीं खरीद सकते, हम गरीब हैं। तो अभी हम चलते हैं घर पे, इसको मेल्ट करते हैं आयरन ओर को, आयरन इनगट में कन्वर्ट करते हैं और बनाते हैं अपने लिए कुछ आर्मर वार्मर। सो गाइज हम घर पे आ गए हैं और यहाँ पर हम रख देते हैं अपना आयरन और ये मेल्ट होता रहेगा तब तक हम थोड़ा सा सामान वामान रख के। चलिए यार तब तक हम ऐसा करते हैं, जब तक ये मेल्ट हो रहा है ना तब तक हम अपना स्वॉर्ड का टेस्ट करते हैं नीचे जाके कि ये कुछ ड्रॉप करवाती है या नहीं करवाती ज़ोंबीज से। मैंने सुना तो है कि भाई आयरन का जो स्वॉर्ड है वो थोड़ा ज़्यादा गिरवाता है, लूट ज़्यादा गिरवाता है ज़ोंबीज से। तो चलिए इसमें कितनी सच्चाई है देखते हैं नीचे जा करके, टेस्ट करते हैं अपने एक्सपी फार्म पे इसको। तो चचा के पास कुछ नहीं है वैसे अभी, तो चलो यार नीचे चलते हैं और इस आयरन की स्वॉर्ड को टेस्ट करते हैं कि ये किस तरीके का काम करती है। और हमारे दोस्त यहाँ पर सब ठीक हैं, तो इसको बंद कर देता हूँ मैं यार, ये हर बार खुला छोड़ देता हूँ मैं इसको।
तो यहाँ पर ज़्यादा लोग तो नहीं हैं, बट यहाँ पे स्कैली है और स्कैली तो वैसे भी कुछ ड्रॉप करते नहीं हैं। तो ज़ॉम्बीज चाहिए मुझे, ज़ॉम्बीज हैं यहाँ पर, ज़ॉम्बीज ही ड्रॉप करते हैं जो भी ड्रॉप करते हैं, या तो ज़ॉम्बीज या फिर जो फार्मर विलेजर्स होते हैं वो ड्रॉप करते हैं। तो ये काम तो वैसे अच्छी कर रही है इस वॉर्ड, मतलब ये बहुत देर में टूटेगा, जैसे स्टोन की स्वॉर्ड बहुत जल्दी टूट जाती है ना, ब्रेक हो जाती है, तो ये थोड़ा देर में टूटेगी, ये तो मुझे पता है। और यहाँ पर आ गए हैं बहुत सारे ज़ॉम्बीज। भाई ज़्यादा कुछ तो गिराया नहीं उन्होंने, बट ये स्वॉर्ड बड़े लंबे टाइम तक चल गई, मतलब लूट का तो कोई फ़र्क नहीं है इसमें मैंने देख लिया, बट ये कि ये थोड़े लंबे टाइम तक चलती है, ये चीज़ अच्छी है, मतलब ये स्टोन की स्वॉर्ड से डबल टाइम तक चलती है। चलो तो यार अब हम आए हैं तो क्यों ना यहाँ से सारे के सारे पेड़ तोड़ लें। तो गाइज़ वहाँ से हमने पेड़ वेड़ तोड़ लिए हैं और लगा भी दिए हैं, अब आ गई है बारी हमारा आर्मर बनने की। तो ओके, तो गाइज़ एक चेस्ट पीस ही बन पाया है हमारा सिर्फ, तो कोई बात नहीं यार, कुछ तो बना, कुछ ना से बढ़िया कुछ होना बढ़िया होता है। तो एक आयरन इनगट बचा, इसको रख देते हैं हम। तो हमारे पास स्वॉर्ड आ चुकी है और हमारे पास सूट आ चुका है, ये ओके गाइज। तो हमारा चेस्ट पीस और एक स्वॉर्ड और बन गई है हमारी, और हेलमेट भी हमारे पास है पानी में सांस लेने के लिए। तो अभी जाने का वक्त हो गया है हमारा अनदर आइलैंड पे, सो गाइज चलते हैं हमारे अनदर आइलैंड पे और देखते हैं वहाँ पर हमें क्या मिलता है और क्या लूट मिलेगी, और जो वहाँ पर विलेजर मिलेगा हमें उससे क्या मिलेगा। और इतना मुझे पता है भाई वहाँ पे खतरा बहुत है, तभी मैंने एक चेस्ट पीस तो बना ही लिया है, और थोड़े टॉर्चेस हैं मेरे पास। और उसके अलावा गाइज मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर अपना ये सामान पहले रख देना चाहिए, क्योंकि अगर रास्ते में ऐसा कुछ हुआ तो भाई ये जो कीमती सामान मैंने बनाया है ना ये सारा जाएगा। तो मैं थोड़ी चतुराई दिखाऊंगा और कीमती सामान को यहाँ पर रख दूंगा, पहले बिल्ड करके आऊँगा वहाँ तक, और फिर उसके बाद ये जो हमारे तीन आइलैंड बचे हैं जिसमें हमारा ओशन मॉन्यूमेंट और एक वो बैडलैंड और दूसरा हमारा बनता है जो एंड पोर्टल वाला है वो, ये तीन हमारे बचे हैं। तो तीन आइसलैंड बचे हैं, आई थिंक दो पे तो आज हम चले जाएंगे, फिर हमारा एंड पोर्टल वाला रह जाएगा। तो चलो यार फटाफट करते हैं बिल्ड। तो गाइज ऑलमोस्ट हम पहुंच ही गए हैं, थोड़ा सा ही दूर रहता है, और ये एक आइलैंड है। अरे भाई गार्जियन, गाइज गार्जियन, यानी कि ये सच में ओशन मॉन्यूमेंट है भाई, छोटा सा ओशन मॉन्यूमेंट, वाडू एक। अरे भाई 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 भाई, ये सच में ओशन मॉन्यूमेंट है गाइज, ओ माय गॉड। भाई मुझे लगा था ये सिर्फ एक आइलैंड होगा जैसे और आइलैंड है, और ये तो भाई ओशन मॉन्यूमेंट है। देखे गार्जियन ने मुझे मुझ पे हमला किया है और मुझे माइनिंग का एक क्या बोलते हैं उसको, माइनिंग का इफेक्ट दे दिया है मुझे, मैं माइन नहीं कर सकता कुछ भी अभी, मतलब मैं कोई ब्लॉक नहीं तोड़ सकता जब तक ये इफेक्ट मुझ पे रहेगा। और इस इफेक्ट को हटाने के लिए मुझे काओ मिल्क चाहिए होगा, बट यहाँ पर अभी मेरे पास कोई काओ नहीं है, काओ स्पॉन ही नहीं हुई, तो भाई मिल्क कहाँ से मिलेगा। और गाइज मुझे कैसे भी करके काओ का जुगाड़ करना पड़ेगा, और उसका मिल्क से ही ये जो है माइनिंग फैटीज जो है हट सकता है। तो अब मुझे जाना पड़ेगा इस आइलैंड के ऊपर कैसे भी करके, और मैं कुछ इस तरीके का बिल्ड करूँगा यहाँ पर कि मुझे माइन करना ही ना पड़े, मतलब कुछ तोड़ना ही ना पड़े। तो चलिए थोड़े स्लैब्स कम रह गए हैं, लेके आते हैं। तो भाई स्लैब्स वगैरह मैं लेके आ गया हूँ फिर से, दो स्टैक समथिंग। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सही कर देता हूँ यार, ये मुड़ता हूँ ना तो यहाँ से थोड़ा गिरने का डर लगता है, तो इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ मैं, ताकि गिरने का जो फेयर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए यहाँ से, और मैं इजीली जो है यहाँ पर स्टे करके जा सकूँ।
तो चलिए अब बिल्ड करते हैं। और ऊपर मुझे एक विलेजर दिख रहा है इस पानी के, तो पहले उस विलेजर से हाथ मिला के आते हैं और देखते हैं कि वो हमारे साथ क्या ट्रेड कर रहा है, फिर उसके बाद हम इसके अंदर जाने के सोचेंगे। तो चलिए यार देखते हैं क्या देता है हमें विलेजर। सो यार गाइज हम ऊपर तक ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं और मैंने कुछ इस तरीके से बिल्ड किया है ताकि मुझे तोड़ना ना पड़े। और ये देखिए ये बहुत सारी चीज़ें दे रहा है, कॉइन्स भी दे रहा है मुझे ये, और प्रिज्मर क्रिस्टल भी दे रहा है, और उसके अलावा गार्जियन स्पोन एग और एल्डर गार्जियन स्पोन एग। भाई ये एग दे रहा है मुझे भाई स्पोन करने के लिए कॉइन्स के बदले। ट्यूब कोरल ब्रोक, ओ माई गॉड, ट्राइडेंट गाइज, ट्राइडेंट एक कॉइन के बदले ट्राइडेंट मिल रहा है भाई। अबे क्या है ये, एक कॉइन के बदले ट्राइडेंट, वाडू हैक, मतलब एक कॉइन में हमें ट्राइडेंट मिल जाएगा इतना इजी। भाई ये जगह भाई अपने लिए बहुत मस्त होने वाले, तो इसको तो हम थोड़ा सा ऐसा बिल्ड कर देता हूँ मैं, ताकि मैं यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आऊँ इस चचा के साथ तो नीचे ना गिर जाऊँ। तो इसको थोड़ा सेफ कर देते हैं और चलते घर पे कॉइन्स लेने के लिए। मेरे को भाई ये ट्राइडेंट खरीदना है कैसे भी करके भाई। अरे यार रास्ते में ये क्या आ गया भाई, अरे भाई विलेजर है ये, ओ माय गॉड, मेरे को इसको मारना नहीं है भाई, मुझे इसको, मैं इसको घर तक लेके जाता हूँ भाई, मैं इसको कैप्चर कर लूँगा गाइस, जिससे फिर बाद में हम इसको कुछ भी काम देके इससे इंचेंटमेंट वगैरह ले सकते हैं या फिर ये हमारे कुछ और भी काम आ सकता है। तो यार ये तो सही चीज़ है यार, विलेजर मिल गया हमें। गोल्डन एप्पल बहुत ईजी है, बस मुझे एक ब्रीविंग स्टैंड बनाना पड़ेगा और पोशन बनाना पड़ेगा, और पोशन बनाने के लिए सब चीज़ें अवेलेबल है तो मैं ये चीज़ कर सकता हूँ यार। बस मुझे एक नेम टैग लेना होगा वरना ये डीस्पॉन हो जाएगा क्योंकि ये ज़ॉम्बी है। तो यार सामने यार ये स्केली भी है, अब इसको घर तक लेके जाना है भाई मुझे कैसे भी करके। भाई मैं इस ज़ोंबी को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ बट यार बहुत टफ पड़ रहा है क्योंकि यार ये मुझे अटैक कर रहा है ना, तो मैं इसको एक घर सा बना देता हूँ, इसके अंदर कैच कर लूँगा और यार मैं मरने भी वाला हूँ यार। चलो मेरे पास पोटैटो तो है, मैं अपना हेल्थ तो रिकवर कर सकता हूँ एटलीस्ट। अरे भाई बस तुम्हारी कमी थी। तो यार ये मेरे पीछे लगा हुआ है, मुझे इसको कैसे भी करके कैप्चर करना है इधर अंदर, बाद में मैं फिशिंग फार्म से नेम टैग निकाल के इसको नेम दे दूंगा एक। अभी तो मुझे इसका जुगाड़ करना है, इसको अंदर बंद करना है क्योंकि अगर दिन हो गया तो दिन में ये जल जाएगा और मर जाएगा, तो उसके लिए बचाने के लिए मुझे बस इसको कैप्चर करना है। अभी अंदर आएगा तो मैं इसके पीछे से पत्थर लगा के इसको बंद कर दूंगा। बट भाई ये बहुत शातिर बंदा है भाई ये बहुत शातिर है यार। तो भाई बहुत देर तक चूहे बिल्ली का खेल खेलने के साथ मैंने सोचा कि मैं इसको घर में ही कैद करूँगा और ये प्रेशर प्लेट तोड़ दूंगा। ओके भागो भाई, घर से बाहर भागो भाई। भाई लिटरली उस ज़ॉम्बी ने मुझे मार दिया, लिटरली उसने मुझे मार दिया है। आप मेरे हार्ट देखो भाई, बिल्कुल आधा बचा है, मतलब कोई टच भी करेगा ना, अगर मैं गलती से नीचे भी कूद गया ना मैं तब भी मर जाऊँगा ओ भाई पूरी ज़िंदगी आराम कर दी उसने मेरी। तो चलो यार थोड़े पोटैटो बेक कर लेते हैं, अपनी हेल्थ वगैरह रिकवर करेंगे अभी,
और वो ज़ॉम्बी हमारे घर में कैद है। और उसके अलावा गाइस मैं दूसरे आइलैंड पे जा रहा था ओशन मॉन्यूमेंट के जो लेफ्ट साइड में है, बट वहाँ जाते जाते हमें स्लैब्स कम पड़ गए, तो अभी हम स्लैब्स बना लेते हैं बहुत सारे। और स्लैब्स पहले तो यार मुझे इससे कॉइन ख़रीदना है, चचा से एक कॉइन ख़रीदना है और उस कॉइन से हम शॉपिंग करेंगे ट्राइडेंट की। तो मेरे पास कोबल स्टोन थोड़े कम रह गए हैं, तो मुझे सिर्फ 2 स्टैक कोबल स्टोन चाहिए, तो मुझे एक कॉइंस मिल जाएगा और उस कॉइंस से गाइज हम शॉपिंग कर सकते हैं ट्राइडेंट की। तो चलो यार, और गाइज लास्ट में हम कमेंट्स पढ़ेंगे आप लोगों के। मैं स्काई ब्लॉक वाली सीरीज में आप सभी लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ और शाउट आउट देंगे हम आप लोगों को। और हाँ, हेटर्स के लिए एंड में कुछ है, देखना जरूर उसको, ठीक है। तो चलो यार गाइज, वैसे तो हेटर्स अपना कोई नहीं है, बट वो थोड़ा डालने में फनी सा लगता है ना, इसलिए मजा आता है। तो चलो भाई, एक कॉइन मिल गया, ट्राइडेंट खरीद के लेके आते हैं। और ये ज़ॉम्बी अंदर ही है, बढ़िया है भाई। तो एक दिल के साथ जा रहे हैं हम, पूरा रिस्क लेते हुए भाई। एक भी नहीं, सॉरी, आधा दिल है हमारा। चलो यार, अब सो भी नहीं सकता मैं यार, हमारा बेड अंदर ही है। घर में आ रहा था, मैंने पीछे एक और ज़ॉम्बी विलेजर देखा, तो मुझे लगता है यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी विलेजर्स मिलते हैं, तो हम और भी पकड़ सकते हैं यार, उनको ब्रीड वगैरह कर सकते हैं भाई। अपना तो मतलब चांदी चांदी भाई, चांदी चांदी। ओ भाई, ये गार्जियन फिर से आ गया। चलो कोई ना, अभी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। ओके, अब हम लेते हैं अपना ट्राइडेंट। ओ भाई, हमारा पहला ट्राइडेंट गाइस, देखो ट्राइडेंट, ओ माय गॉड, मतलब ट्राइडेंट भाई, ट्राइडेंट मिल गया हमें यार, गजब भाई गजब। और गाइस, ट्राइडेंट की मेरे को इतनी खुशी इसीलिए है क्योंकि भाई मैंने अभी तक माइनक्राफ्ट का एंड कर दिया है, यानी एंडर ड्रैगन को मार दिया, आरल क्राफ्ट इतना आगे तक खेल लिया, बट मैंने एक और स्काई ब्लॉक खेल लिया, बट अभी तक मुझे ट्राइडेंट के भाई दर्शन नहीं हुए थे, और इस स्काई ब्लॉक में मेरे को ट्राइडेंट मिल गया। ओ माय गॉड यार, अनबिलीवेबल भाई, अनबिलीवेबल गाइस। और वो ज़ॉम्बी देखो मर गया, यानी कि दिन निकल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ज़ॉम्बी विलेजर्स स्पॉन होते हैं इस साइड, तो इस साइड से मैं ज़ॉम्बी विलेजर्स पकड़ के अपने घर पे लेके जा सकता हूँ। तो उससे पहले यार हमें वो पोशन ऑफ वीकनेस और एक गोल्डन एप्पल चाहिए होगा, जो कि हम इन विलेजर्स को ठीक कर पाएँ, तो वो चीज़ हमें पहले बनानी होगी। विलेजर्स को तो हम धीरे धीरे पकड़ ही लेंगे कैसे ना कैसे करके। तो चलो अपने घर वाले विलेजर्स का हाल देखते हैं, क्या हाल है उसका, क्योंकि एक विलेजर्स तो हमने घर में पकड़ा हुआ है, बट यार मेरे घर के दोनों तरफ की खिड़कियाँ खुली हुई हैं, तो वहाँ से वो मर सकता है। तो लेट्स सी क्या है भाई। ओके ओके, वो मर गया यार, वो मर गया। ये देखो, ये दोनों तरफ की खिड़कियाँ खुली हुई हैं ना, यहाँ से रोशनी आई होगी और वो मर गया। चलो कोई बात नहीं, मर गया मर गया, हम दूसरा पकड़ देंगे बाद में कभी। तो इसको मैं ठीक कर देता हूँ, बट यार इसको मैं अभी ठीक नहीं कर पाऊँगा, मुझे गार्जियंस ने वो माइनिंग फैटिस दिया हुआ है, तो वो जब तक हटेगा नहीं तब तक मैं माइन कर नहीं पाऊँगा। तो चलो यार, ट्राइडेंट मिल गया भाई, बहुत खुशी हो रही है यार, मतलब 9 अटैक पावर है इसका, एक तरह से बो का काम करेगा ये हमारा। तो इट्स टाइम टू शाउट आउट बॉयज, तो चलो शाउट आउट देते हैं और आपके कमेंट पढ़ते हैं। तब तक मैंने यहाँ पर अपनी एक तलवार और वो रखा हुआ है, तो उसको आर्मर, तो उसको भी लेके जाता हूँ, घर पे रख देता हूँ। और नेक्स्ट सीरीज में हम पक्का जाएंगे ओशन मॉन्यूमेंट पर रेड करने के लिए, बट उससे पहले हम आपको शाउट आउट देते हैं, सो लेट्स गो। सो यार गाइस, लास्ट सीरीज में आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया और हमारा धीरे धीरे लाइक्स का गोल जो है बढ़ता जा रहा है गाइस, इसको 1K तक यानी 1000 लाइक्स तक पहुंचाओ यार। और इस बार बहुत सारे नाम है भाई शाउट आउट वाले लिस्ट में, तो चलो भाई शाउट आउट प्लीज भाई। सिद्दीक भट्ट शाउट आउट टू यू, केजे गेमर शाउट आउट टू यू, क्रिपल गेमिंग शाउट आउट टू यू, तेजस्वनी अनंद्रा शाउट आउट टू यू, सॉरी अगर मैंने गलत नेम प्रोनाउन किया हो तो, एंड धनुष शाउट आउट टू यू, प्रिंस वाइजर शाउट आउट टू यू, रंजना शाउट आउट टू यू, इंडियन गेमर शाउट आउट टू यू, भाई अरे हमको भी क्या यार इंडियन गेमर भाई, एस के अल्लादीन शाउट आउट टू यू, न्यू बीस्ट शाउट आउट टू यू, न्यू बीस्ट अगेन शाउट आउट टू यू भाई, बीस्ट बॉय युवराज शाउट आउट टू यू, आपका वीडियो गुड फ्रेंड हूँ भाई, थैंक यू यार, मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ ब्रो, लाइक किया करो यार, शेयर वेयर किया करो। बलराज सिंह शाउट आउट टू यू, ईपी किलर शाउट आउट टू यू, एंड मिजस कांदेल शाउट आउट टू यू, आप मेरे फेवरेट हो, यू आर ओपी एंड माय फेवरेट, अरे थैंक यू मिजस भाई, थैंक यू। जोकर गेमिंग शाउट आउट टू यू भाई, का भाई कमेंट पूरा पढ़ो भाई, पबजी खेलो प्लीज, अरे यार खेलेंगे ब्रो खेलेंगे। SNS शाउट आउट टू यू ब्रो, मेरा नाम लो ले लिया ब्रो। एंड दीपक मून शाउट आउट टू यू,
पवन राठौर शॉट आउट टू यू, अरुण गेमिंग शॉट आउट टू यू, आर्क सर्वाइवल इवोल्ड खेलो, जल्दी ही खेलेंगे अरुण भाई, जल्दी खेलेंगे। रमेश जिंदगर शॉट आउट टू यू, क्लो गेमिंग शॉट आउट टू यू, रितेश तंदोन शॉट आउट टू यू, राणा साजिद शॉट आउट टू यू, बीसीजी किंग शॉट आउट टू यू एंड श्रील गेमर शॉट आउट टू यू, यू आर प्लेइंग लाइक अ प्रो। अरे थैंक यू ब्रो श्रील भाई, थैंक यू। एंड हमिंदर सिंह अगेन भाई शॉट आउट टू यू, एंड हर्षप्रीत, अरे हर्षप्रीत, माय नेम इज हर्षप्रीत यार, मेरा हर्षप्रीत एक मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, बहुत बढ़िया फ्रेंड है यार, अब वो आता नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। एंड राजेश कुमार गेगलोट शाउट आउट टू यू, ऑल इन वन शाउट आउट टू यू। एंड भाई कोई नहीं, सब लोग को नहीं दे पाते हो, कोई नहीं, हाँ यार ऑल इन वन, थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा निकल जाता है इसलिए, और कोई बात नहीं है। बाबू बाबू शाउट आउट टू यू, आर्यन प्लेइंग पबजी विथ मी, अकाउंट इज आर्यन होशैन, चलो भाई बिल्कुल। एंड कृष्णा पंजाबी शाउट आउट टू यू एंड हेलो। राजेश कुमार गेगलोट शाउट आउट टू यू ब्रो। प्रतीक शेट्टी शाउट आउट टू यू। एंड पक्चो ड्रामा गेमिंग शाउट आउट टू यू। एंड भाई आपके चैनल 100 के तक जल्दी ग्रो करो। अरे थैंक यू यार, आप लोग सपोर्ट करो, शेयर करो, जल्दी हो जाएगा। एंड अरविंद सिंह लव यू ब्रो एंड शाउट आउट टू यू। एंड गैलेक्टिक शार्पेडो शाउट आउट टू यू ब्रो एंड लव यू भाई। पंपकिन ओनली ग्रो ऑन डर्ट ब्लॉक, हाँ मैंने डर्ट पे ही लगाया है, वो डर्ट पे ही लगाया मैंने। एंड पावर वाई टी गेमर शाउट आउट टू यू भाई, मुझे शाउट आउट देना प्लीज, माय नेम इज जैक वन, जैक वन को बहुत बड़ा शाउट आउट भाई। बेस्ट बॉय युवराज एंड शाउट आउट टू यू भाई। बलराज सिंह शाउट आउट टू यू। एंड ईपी किलर शाउट आउट टू यू, कीप गोइंग, थैंक यू ईपी किलर भाई फॉर सपोर्टिंग, कंटिन्यू। मिजस कांदेल शाउट आउट टू यू, यू आर ओपी एंड माय फेवरेट, लव यू भाई एंड शाउट आउट। एंड मिजास कांदेल शाउट आउट टू यू एंड लव यू टू, आपको और आपकी पूरी फैमिली को भाई। जोकर गेमिंग शाउट आउट टू यू भाई, कमेंट पूरा पढ़ो, पबजी खेलो भाई बिल्कुल। एस एन एस हेलो भाई कैसे हो, शाउट आउट टू यू ब्रो। एंड दीपक मून शाउट आउट टू यू, टुडे माई एग्जाम प्लीज प्रे फॉर मी, लव यू भाई, प्रे टू यू भाई दीपक, बहुत अच्छे से पेपर दो और अच्छे से नंबर लेके आओ। तो अरुण गेमिंग शाउट आउट टू यू एंड रमेश जिंदर शाउट आउट टू यू, क्लो गेमिंग शाउट आउट टू यू, रितेश तंदोन शाउट आउट टू यू, राणा साजी शाउट आउट टू यू, बीसीजी किंग शाउट आउट टू यू एंड श्रील गेमर शाउट आउट टू यू, हरमिंदर सिंह शाउट आउट टू यू, राजेश कुमार गलोट शाउट आउट टू यू, ऑल इन वन बाबू एंड यहाँ पर कृष्ण पंजाबी, राजेश कुमार एंड प्रतीक शेट्टी, बक्चो ड्रामा गेमिंग एंड अरविंद सिंह एंड गलेटिक शार्पेडो और आरशू गेमिंग एंड पावर वाई टी गेमर, विपिन बिंदर, वैसे मेरा फेवरेट माइनक्राफ्ट प्लेयर यस स्मार्टी पाई है, बट आपकी वीडियो का भी बेसब्री से इंतजार होता है, यू आर टू गुड, आई लव यू टू। विपिन बिंदर भाई थैंक यू, विपिन बिंदर अपना कीमती टाइम निकाल के इतना अच्छा कमेंट लिखने के लिए, लव यू ब्रो, लव यू, बिग शाउट आउट टू यू विपिन भाई। एंड रोबिन पुंदीर भाई शाउट आउट टू यू। तो गाइज यहाँ पर देखिए और भी बहुत सारे नाम है, मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, सभी तो नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि अभी हमें दूसरे सेक्शन में भी जाना है भाई, और ऑलमोस्ट देखिए हम यहाँ पर बहुत सारे नाम है भाई, इस बार 99 नाम है भाई, 99। तो गाइज जल्दी से जल्दी अपना कमेंट किया करो ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपका कमेंट पढ़ पाऊँ। तो थैंक यू फॉर योर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एडवेंचर में और नेक्स्ट शाउट आउट के साथ, और शायद से क्या पता मैं लाइव करूं आरएल क्राफ्ट का, तो यार सबके सब बेल आइकन को ऑन कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चाओ चाओ। निकल पहली फुर्सत में निकल।